हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के घरों में जियो फोन तो जरूर से होगा या फिर आपने कभी ना कभी उसको यूज़ जरूर किया होगा, जो कि एक सस्ता फीचर फोन है जिसमें कि आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह भी चला सकते हैं। बट अब जियो और गूगल मिलकर एक ऐसा ही सस्ता नया 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा जियो फोन नेक्स्ट। जी हाँ, ये जियो का नेक्स्ट फोन होने वाला है जिसकी स्पेक्स वगैरह लीक हो गई है। इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इस स्मार्टफोन को कब तक लॉन्च किया जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक नया 4G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं इस टाइम पर, तो इस फोन को आप जरूर से वेट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के लुक और डिजाइन की। तो यहां पर हमें इस स्मार्टफोन में फुल्ली प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है। इसका टोटली फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है, जैसे कि हमें पुराने स्मार्टफोन में देखने को मिलता था। वहीं इसके बैक में जियो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। सेंटर में एक सिंगल कैमरा दिया जाएगा, बॉटम में इसके स्पीकर दिया गया है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट की, तो इस स्मार्टफोन में हमें 5.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि LCD डिस्प्ले होने वाला है। तो यहां पर फोन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का बनाया गया है। इसके अलावा इसमें ऊपर और नीचे काफी मोटे मोटे मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पुराने फोन की तरह लग रहा है, तो बिल्कुल वही सेम आपको लुक देखने को इसमें मिलेगी। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल चिपसेट है। इसमें हमें ARM Cortex A53 दिया गया है, जो कि 1.3 GHz पर क्लॉक है, 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। Adreno 308GB इसमें मिल जाता है। अगर इस चिपसेट की बात करें तो ये चिपसेट 2 साल पुराना है। वहीं आजकल जो 10,000 से कम में फोन मिल रहे हैं वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। बाकी इसमें आप गेम वगैरह तो नहीं खेल पाएंगे, बट डे टू डे लाइफ में आप इसको काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे। वहीं इस प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन हमें इस टाइम पर नोकिया 1.3 देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो इसमें हमें 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2+32GB और 4+64GB होने वाले हैं, जो कि LPDDR3 रैम और eMMC 4.1 वाले स्टोरेज पर आएगा। साथ ही में आप इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह भी लगा पाएंगे। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक एंड्रॉइड 11 गो एडिशन पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप सभी गूगल की एप्स वगैरह चला पाएंगे। वहीं बात करें अब इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसके रियर में हमें सिंगल 13 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके साथ में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। वहीं बात करें इसके फ्रंट की, तो इसके फ्रंट में हमें 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो यहां पर इस स्मार्टफोन में कैमरा हमें इसके बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल जाते हैं। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में हमें 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जिसको कि आप 10W के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। वहीं इस बैटरी को आप निकाल भी पाएंगे, क्योंकि इसका बैक पैनल आराम से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें डुअल 4G सिम स्लॉट, माइक्रो USB 3.5 mm हेडफोन जैक, वाईफाई, ब्लूटूथ, गूगल वॉइस असिस्टेंट और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे इसमें फीचर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके लॉन्च डेट और प्राइस की बात की जाए, तो ये स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ यानी कि 10 सितंबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। वैसे इसकी प्राइस की बात की जाए, तो कंपनी इस स्मार्टफोन को 5000 के अंदर ही लॉन्च करने वाली है। वहीं ये स्मार्टफोन उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो कि एक फीचर फोन से स्मार्टफोन पर स्विच करना चाहते हैं। साथ में जिन लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस दिलाने के लिए बच्चों को फोन वगैरह नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये फोन बनाया गया है। बाकी आपकी क्या राय, आपके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।